हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो नॉवल है ना, ये सीईओ वाले से थोड़ा हटकर होने वाली है। मतलब इसमें आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को डॉक्टरी फील्ड और उसके साथ साथ कुछ हिडन सीक्रेट्स भी देखने को मिलेंगे। अब वो क्या चीज़ें हैं जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंटर देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ उसके डेज जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है मेरा सफ़र तुम तक। इसकी जो रेटिंग है वो 4.2। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है अमन, और बेटा मिनट उन्होंने प्रोफाइल में मेंशन किया है अमन, लेकिन वहाँ पर अभी जो दिखा रहा है वो है दीपक कुमार। तो अब आप लोग दोनों नाम से सर्च कर लेना अगर आपको जो सभी मिल जाता है तो, बाकी मैं लिंक तो दे दूँगी। तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 43। मैंने कितने पढ़े हैं ये अभी हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले मैं आप लोग को पहले मेन कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ, जो कि है नैना और रुद्र। रुद्र का पूरा नाम भी है, वो आप लोग स्टोरी में पढ़ते जाओगे, लेकिन मैं मेन जो उनको निकनेम से बार बार बोले जा रहा है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस कहानी में है क्या। तो ये कहानी है एक रूड डॉक्टर की, जो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल ब्रेन एंड हार्ट सर्जन है, इंडिया के टॉप 1 डॉक्टर, जिनके नाम पर बहुत सारे अवार्ड्स और मैगजीन्स के कवर पेज पर हमेशा कुछ ना कुछ लिखा रहता है, लेकिन है बहुत एरोगेंट और गुस्सैल और कम बोलने वाले इंसान, जिसके हैं कुछ ऐसे राज जो कि उन्होंने अब तक छुपा कर रखे हैं। दूसरी तरफ है हमारी कहानी की हीरोइन, जो कि इस दुनिया में मतलब वो जो है वो एक अनाथ है, और उनका उनके भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उनका एक सपना है कि वो बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट बने, जस्ट बिकॉज उनकी माँ की डेथ उनके भाई को जन्म देने के दौरान हो गई थी। तो वो चाहती है कि जो उनकी माँ के साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। तो इस वजह से जो है तो देखते हैं इनकी पहली मुलाकात कैसे होगी और कब इनके बीच में जो है वो प्यार के फूल खिलेंगे। तो ठीक है, तो पहली मुलाकात की बात की जाए तो ये कह लो कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि वो आपस में टकरा जाते हैं। मतलब हमारी हीरोइन जो है वो एक प्रॉब्लम में होती है, वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, और फिर क्या था, फिर वो उनको बचाते हैं, लेकर जाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, वो पहली नज़र वाला प्यार हो गया। फिर उसके बाद क्या था, वो उनके सामने एक शर्त रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब ये मजबूर है और इनको नीड है पैसों की, क्योंकि इनके भाई का जो है वो ऑपरेशन होना था। अब वो क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें थी, अब आप लोगों को पता है कि जैसा कि बताया गया है कि रिश्तेदार भी कोई काम वाम के तो होते नहीं है, वो कोई पैसा देने को तैयार नहीं थे। अब वो दर दर भटक रही थी पैसों के लिए ही, और फिर कुछ लोग जो है वो इनका पीछा करने लग जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तब इनके हमारे हीरो से जो है वो मुलाकात होती है, और फिर उसके बाद अब जब पहली नज़र का प्यार हो गया तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो वो उनको ऑफ़र देते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे भाई का जो है ट्रीटमेंट करवा दूँगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे तैसे सोच सोच के कुछ भी वो हाँ कर देती हैं। और जब उन्हें यहाँ तक कि देखो, एक बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने बताया कि हमारे हीरो जो है वो इतने ज़्यादा फेमस है, मैगजीन के कवर पेज पे उनके बारे में कुछ लिखा होता है, फोटोज़ भी होंगी, है ना। मतलब हमारी हीरोइन उनको पहचान से नहीं पाई, जब उन्होंने खुद अपना नाम बताया तब उन्हें पता चला ओ ये तो वो है। फिर तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन धीरे धीरे इनको टाइम की तो बहुत ज़रूरत है, तभी वो चीज़ें जो है मतलब इनके बीच जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक कम्फर्ट जोन जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से अलग हमारे हीरो जो है वो जैसे डॉक्टर दिखते हैं ना, वो डॉक्टर तो है, मैं वो नहीं कह रही नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से अलग उनकी एक दूसरी साइड भी है, जो कि कह लो कि थोड़ा डेविल टाइप में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और इनके फ्रेंड्स जो हैं, यानी इनके 3-4 फ्रेंड्स हैं जो कि इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी डॉक्टर होने के साथ साथ इनके बिजनेस और अदर जो इनके काम है, ये फिर ये कह लो कि जो डार्क साइड वाले काम हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो 4-5 लोगों का एक ये ग्रुप है, और मतलब इनके बीच की बॉन्डिंग वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है। अब इनका जो है वो एक बहुत बड़ा मकसद है। अब वो मकसद क्या है, वो है आप लोगों को मैं क्यों बताऊँ, अभी मैं बताने वाली थी लेकिन अब मुझे याद आ गया मैं क्यों बताऊँ, आप लोगों को खुद ही वो पढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है ये दुनिया के सामने कुछ और दिख रहे हैं और रियलिटी जो है वो कुछ और है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमारी हीरोइन जो है वो बिल्कुल अनजान है। अब बात की जाए इनके भाई के बारे में, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सही हो जाएंगी और ट्रैक पर आ जाएगी। तो इनकी ये बहुत सॉर्टेड सी सिंपल सी स्टोरी है, मेन फोकस जो है ना वो इनका जो वो मकसद है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब आगे स्टोरी बढ़ती जाएगी तो इनके जो एनिमीज़ हैं, इनके जो राइवल्स हैं, वो सारे जो हैं वो सामने आएंगे, और हमारी हीरोइन जो है ना उनके पीछे भी कोई ना कोई ज़रूर है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह रही मैं कि क्या बोलते हैं वो कोई छुई मुई दिखने का जो है वो एक्ट कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है,
बल्कि आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी अब जब हमारे हीरो के पीछे मधुमक्खी हो सकती है तो हमारे हीरोइन के पीछे भंवरे, छोटे जुनूनी साइको टाइप के लोग भी हो सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस तरीके की स्टोरीज पसंद है तो डेफिनेटली जाके आप स्टोरी को पढ़ सकते हैं। हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ, बट इच्छा फिर भी आप लोगों की है, क्योंकि लिंक्स वगैरह तो मैं आप लोग को सिर्फ नॉक पर प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप लोग को इस स्टोरी को जो है वो इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव होता डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉन बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।